श्रीसंत ने गंभीर के पोस्ट पर निकाला गुस्सा, पूछा क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर और पूर्व तेज गेंदबाज जयेश श्रीसंत के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को लेजेंड्स लीग क्रिकेट LLC मैच के दौरान दोनों में जमकर बहस हुई। गंभीर इंडिया कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे, जबकि श्रीसंत गुजरात जायंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूर्व तेज गेंदबाज ने बाद में दावा किया कि गौतम ने मैच के दौरान उन्हें फिक्सक कहा था। घटना के बाद गंभीर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। इसमें वह मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, मुस्कुराए जब दुनिया में लोग सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्रीसंत ने उनके पोस्ट पर डायरेक्ट कमेंट करके अपना गुस्सा निकाला। श्रीसंत ने कमेंट में लिखा, आपने एक खिलाड़ी और एक भाई की सीमाओं को पार कर लिया है। आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी हर क्रिकेटर के साथ विवादों में उलझे रहते हैं। आपके साथ क्या समस्या है? मैंने बस मुस्कुराया और देखा, आपने मुझे फिक्सर करार दिया। सच में क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? आपके पास इस तरह से बोलने और जो चाहे कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने मौखिक रूप से अंपायरों को भी गाली दी और फिर भी आप मुस्कुराने की बात करते हैं। मैं आपका सम्मान करता था, श्रीसंत। श्रीसंत ने आगे लिखा, आप अहंकारी हैं। आपके मन में समर्थन करने वालों के लिए किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं है। कल तक मैं हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए सम्मान रखता था। आपने अपमानजनक फिक्स शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 7 या 8 बार किया। लगातार मुझे उकसाने की कोशिश की। जिस किसी ने भी मेरे साथ जो अनुभव किया है वह आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप जानते हैं कि आपने जो कहा और किया वह गलत था। मुझे यकीन है कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। भगवान सब कुछ देख रहा है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने जारी किया बयान। लेजेंड्स लीग क्रिकेट LLC ने भी दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बहस को लेकर एक बयान जारी किया और कहा कि वे आचार संहिता के उल्लंघन पर आंतरिक जांच करेंगे। LLC ने कहा, क्रिकेट जगत में जिस घटना की चर्चा हो रही है वह आचार संहिता का उल्लंघन है और लीग की आचार संहिता और आचार समिति द्वारा बताए गए स्पष्ट नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। LLC क्रिकेट और खेल भावना की भावना को बनाए रखने का प्रयास करता है और आचार संहिता के उल्लंघन पर आंतरिक जांच करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मैदान के अंदर और बाहर होने वाले किसी भी कदाचार से सख्ती से निपटा जाएगा।